पैसा बनाना ही नहीं बल्कि पैसा बचाना भी आना चाहिए। रिटेल इन्वेस्टर्स की अवेयरनेस इस चैनल पर होती रहती है, आज बारी है कंज्यूमर अवेयरनेस की। आज कुछ अलग है, उम्मीद है आप इसे भी बहुत प्यार देंगे और अप्रिशिएट करेंगे और आपको पसंद भी आएगा। आज बारी है एक ब्लूटूथ डिवाइस की, एक हैंडी ब्लूटूथ डिवाइस की, जो आप यूज कर सकते हैं अपनी कार पे, अपनी पीसी में और जहां भी 3.5 mm का जैक हो। जी हाँ, ये क्यों है और क्या है ये देखते रहिए वीडियो पे। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, मेरा नाम है ईशान, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। ये वीडियो हमारी नॉर्मल वीडियो से अलग होने वाली है, पर ये एसोसिएट है, ये रिलेटेड है आपके और मेरी डेली लाइफ से, हमारे पैसे से और हमारी सेविंग से। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम बात करने वाले हैं एक हैंडी ब्लूटूथ डिवाइस की, जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी कार में भी और पीसी पे भी और कहीं भी जहां 3.5 mm जैक है। मैं मेजरली आपको बताऊंगा कार के बेनिफिट या कार के लिए इसकी यूजेज। क्योंकि ये डिवाइस मैंने खुद ने यूज किया है, इसलिए मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ। जी हाँ, कुल मिलाकर ये है पूरा डिवाइस। जी हाँ, देख लीजिए, ये इस तरह से स्प्लिट होता है आपस में, यानी कि कुल मिलाकर बॉक्स में ये तीन चीजें मिलती हैं। एक आपको पेन मिलती है, एक आपको डिवाइस मिलता है और एक आपको इसकी चार्जिंग के लिए वायर मिलती है। अनबॉक्सिंग इसकी मैंने की नहीं क्योंकि तब मुझे लगा नहीं था कि इसकी कोई जरूरत पड़ेगी, पर रिसेंटली जब मैंने ये जाना कि उन लोगों को जिनकी कार में ब्लूटूथ डिवाइस नहीं है और उन्हें दिक्कत आ रही है, वो एक अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं, तो मुझे लगा ये वीडियो एक कंज्यूमर अवेयरनेस के लिए जरूरी है। सबसे पहले मैं बता दूं, ये जो डिवाइस लिया है मैंने, ये टेस्ट किया हुआ है, इसके अलावा मुझे अभी तक इसमें कोई दिक्कत नहीं आई, मेरा बेसिक पर्पस सॉल्व हो जाता है। कंपनी का नाम कुछ भी हो मुझे नहीं लेना देना, क्योंकि 200-250 की अगर परचेज हो, यानी कि 200-250 या 300 से कम की कोई परचेज हो और मुझे उसमें ज्यादा एक्सपेक्टेशंस भी नहीं होती, पर अगर मेरा वो काम सॉल्व कर दे, मेरा पर्पस सॉल्व कर दे, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज हो जाती है। आज की तारीख में न्यू कार्स में मोस्ट प्रोबेबली होता है ब्लूटूथ डिवाइस इनबिल्ट, पर मोस्ट ऑफ कार्स में नहीं भी होता। मेरी कार में भी नहीं है और ना ही मैंने अपने म्यूजिक सिस्टम को, उस कार के इनबिल्ट म्यूजिक सिस्टम को अपग्रेड करने की सोची, ना मुझे जरूरत महसूस हुई। पर रिसेंटली जब मेरे किसी नोन इंसान मेरी कार में आए और उनके पास निकला आईफोन, जी हाँ, तो दिक्कत आ गई। क्यों? क्योंकि वो सुनना चाहते थे अपने गाने और उनके फोन में 3.5 mm का जैक नहीं था और ब्लूटूथ मेरे पास नहीं था, तो दिक्कत आ गई। यहीं से मुझे एक आइडिया आया, यहीं से मुझे लगा कि ये तो बहुत जरूरी चीज है, तो मैंने आपके लिए, आपकी अवेयरनेस के लिए ये वीडियो बना रहा हूं। ये प्रोडक्ट टेस्टेड और ट्राइड है मेरी तरफ से, और ये भी बता दूं कि अभी तक इसकी डेली यूजेज में मुझे कोई शिकायत नहीं हुई है। पर्पस सॉल्व करता है, ब्लूटूथ इजीली कनेक्ट हो जाता है, वॉल्यूम का कोई इश्यू नहीं है और चार्जिंग के लिए मैं इसे डायरेक्ट अपने लाइटर कनेक्टर से चार्ज करता हूं। क्योंकि ये कार पे यूज कर रहा हूं तो बैटरी ऑलवेज कनेक्टेड भी रहेगी, तो चार्जिंग के लिए मुझे इसमें दिक्कत नहीं आएगी। कंपनी क्लेम करती है 1 साल की वारंटी, पर यकीन जानिए मैं पर्सनली ये वारंटीज या इस प्राइस रेंज वाली डिवाइसेज में इन चीजों को बिलीव ही नहीं करता। मेरा एक सिंपल मानना है, या तो प्रोडक्ट चलेगा और अच्छा चलेगा, नहीं चला तो कोई बात नहीं, मेरा वैल्यू जो है वो इतनी नहीं जा रही। पर अगर मुझे उसका पर्पस सॉल्व हो गया, जिस पर्पस के लिए मैंने उसे लिया है, तो वो बहुत अच्छी बात होगी और इस प्रोडक्ट से मेरा पर्पस सॉल्व हो गया। ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि नॉर्मली मैंने देखा है कि हाई रेंज वाले ब्लूटूथ डिवाइसेस भी, चाहे वो किसी भी किस्म के हों, वो आपको वैल्यू फॉर मनी नहीं देते। किसी में रेंज का इश्यू है, किसी में बैटरी का इश्यू है, किसी में लॉन्ग लाइफ का इश्यू है, कोई ना कोई इश्यू आता ही है। जी हाँ, और मैं ये आपको ट्राइड एंड टेस्टेड बता रहा हूँ, क्योंकि 3-3, 4-4 हजार वाले प्रोडक्ट भी मैंने टेस्ट किए हैं, काफी यूट्यूबर्स उसे प्रमोट भी करते हैं और मैं यकीन से आपको कहता हूँ उसकी बैटरी इश्यूज में भी दिक्कत आती है, उसकी रेंज में भी इश्यू आता है, पर मोर लेस पर्पस जहां तक सॉल्व कर दे वही अच्छा। तो इसीलिए मैंने ये प्रोडक्ट चुना है आपके लिए, बिल्कुल एक नेसेसिटी है। और जिन लोगों के पास पुराने मॉडल्स हैं कार के, या उनके कार में इस चीज की रिक्वायरमेंट है, अब आप सोचेंगे हमें इस चीज की रिक्वायरमेंट क्यों है, अब वो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आज की तारीख में मुझे नहीं लगता, या हो सकता है कुछ लोग करते भी हों, अपने मोबाइल में ही सारे गाने सेव करते हों, पर मोर ऑर लेस
आजकल सावन गाना या विकी म्यूजिक का जमाना है, सब कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर है। और मैं पर्सनली अपना कोई भी सॉन्ग डाउनलोड कर नहीं रखता, मैं उन्हें ऑनलाइन प्ले करता हूँ या ऐप के थ्रू प्ले करता हूँ। तो उस सिचुएशन में मुझे एक ब्लूटूथ डिवाइस होना नेसेसिटी हो जाता है। वायर में यूज कर सकता हूँ, पर जब वो वायर मेरे गियर बॉक्स के साथ यानी कि गियर के साथ शिफ्टिंग के दौरान मैस करती है, वो यकीनन मेरे मोबाइल के लिए भी हानिकारक है, मेरी अटेंशन के लिए भी हानिकारक है और मेरे ओवरऑल ड्राइविंग के लिए भी। और इसके अलावा जब कोई और इंसान, जब कोई और व्यक्ति अपना कोई अलग मोबाइल हैंडसेट लेकर आता है और उनकी प्रायोरिटी होती है कि वो अपने ही गाने सुनना चाहते हैं, अपने मोबाइल से सुनना चाहते हैं, तो मुझे लगता है आपको शायद एम्बैरेसमेंट हो या आपको कहना पड़े मेरे पास वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं है आपके लिए। तो अगर आपके पास ब्लूटूथ डिवाइस होगा कार में, तो अब यकीनन इस चीज को ओवरकम कर सकते हैं और उन्हें इजीली ये चीज सर्व कर सकते हैं और यकीनन आपका गेस्ट या आपके साथ जो व्यक्ति आया है वो भी खुश होगा। मेरे साथ ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो चुका है इसलिए शेयर कर रहा हूँ। अब बात आती है मैंने ये प्रोडक्ट, ये डिवाइस कितने में खरीदा था। मैं आपको बता दूं, मैंने 230 के आसपास ये रेंज में ये प्रोडक्ट खरीदा था जब ये रिसेंट अमेज़न की सेल चल रही थी। आज की तारीख में ये आई थिंक 250 से 300 के बीच में प्रोडक्ट अवेलेबल है और मुझे लगता है मोर लेस अगर आपको डिलीवरी चार्ज नहीं पड़ता तो ये प्राइस रेंज भी ठीक है। 300 तक कोई भी प्राइस रेंज अगर आपको ये पर्पस सॉल्व कर देता है तो यकीनन ये एक बेस्ट बाय की कैटेगरी में आता है। मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है, पर ध्यान रखिए अगर आपको जरूरत है, अगर आपको लगता है ये आपकी जरूरत है तो ही लीजिए। हो सकता है आपके प्रोडक्ट में अगर कोई दिक्कत आए भी तो यकीनन मैंने अमेज़न से लिया था और आज तक मेरा एक्सपीरियंस अमेज़न के साथ बहुत अच्छा रहा है, उनकी रिटर्न पॉलिसीज भी अच्छी हैं। पर उससे पहले आप इस प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन डिटेल्स पढ़ लीजिएगा। प्रोडक्ट ब्रांडेड नहीं है, पर ब्रांडेड का केवल और केवल मतलब ये नहीं होता कि प्रोडक्ट बैड क्वालिटी का है। ब्रांडेड का एक एडिशनल बेनिफिट हो जाता है प्राइस में भी, और मैं तो ये मानता हूँ कि पर्पस सॉल्व होना चाहिए, ब्रांड से मुझे कुछ नहीं लेना देना। तो ये प्रोडक्ट, ये डिवाइस मेरा पर्पस सॉल्व करता है और एक हैंडी प्रोडक्ट है। इसके अलावा बेस्ट बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगा और पर्टिकुलरली मैं आपको बता दूं और मैं रेकमेंड कर दूं, क्योंकि मैंने अमेज़न से जो प्रोडक्ट लिया था उसी का लिंक मैंने इसमें डिस्क्रिप्शन में दिया है। इसके अलावा ऑप्शनल लिंक जरूर अवेलेबल होंगे डिस्क्रिप्शन में, पर जहां से मैंने लिया है वो है अमेज़न और जो अमेज़न का लिंक है वही मैंने प्रोडक्ट खरीदा था और मुझे आज की तारीख में उससे कोई शिकायत नहीं है। ये मेरा हाईली रेकमेंडेड प्रोडक्ट है उन लोगों के लिए जिनके कार में ब्लूटूथ डिवाइस नहीं है। इसके अलावा म्यूजिक, कॉल्स, ये सब कुछ ब्लूटूथ पे इजीली हो जाता है और इसमें कोई शिकायत मुझे नहीं मिली। आप मुझे बताइए आपको ये वीडियो, ये अलग वीडियो कैसी लगी, क्या आपको ये नई अटेम्प्ट मेरी तरफ से अच्छी लगी या नहीं। इसके अलावा अगर आप ये प्रोडक्ट बाय करेंगे तो प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में आकर आप भी अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा ताकि और लोगों को इससे हेल्प मिल सके। और जैसा कि मैं आपको हमेशा कहता हूँ, इस चैनल पर आप एज ए टीम पार्टिसिपेट कीजिए, एज ए नंबर नहीं। और जो नए लोग हैं उन्हें मैं बता दूं, मैं नॉर्मली ये वीडियोस नहीं लेकर आता, ये एक वन ऑफ थी, या हो सकता है बहुत रेयर मैं वीडियोस लेकर आता हूं। तो पहले आप चैनल जरूर चेक कर लीजिए, पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। इसके अलावा कोई भी सवाल, सुझाव या राय हो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर कीजिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई हो। धन्यवाद।